हेलो हाय एवरीवन, टुडे विल चेक राघव्स वीडियो बेस्ट स्टॉक्स बेस्ट मल्टी मेगा शेयर्स 2023। लेट्स जंप टू द वीडियो। नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव ज्वेल इन्वेस्टिंग में। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने पांच सबसे गलत इन्वेस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट्स जिनमें मेरी रिसर्च पूरी तरीके से गलत साबित हुई। उस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से इतने खराब सिलेक्शंस के बाद भी हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रह सकता है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप के वो पांच स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इन स्टॉक्स ने 15 से 20 गुना तक रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अगर हम स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी करें तो हम समझ सकते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी कंपनी एक अच्छी मल्टीबैगर बन सकती है। आज की इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी आपको मोटिवेट करने का नहीं है कि आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। इसलिए मेरी किसी भी बात को इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती मत करिएगा, वरना आपके पोर्टफोलियो को भारी नुकसान होगा। जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कम से कम 15 से 20 गुना मल्टीप्लिकेशन का पोटेंशियल हो। अगर ऐसा होता है, जब भी कोई स्टॉक हमारा 15-20 गुना मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पोर्टफोलियो को काफी आगे ले जाता है, हमारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स को भी पूरी तरीके से कवर कर देता है। क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर लॉस होगा तो सिर्फ उतने ही पैसे का होगा जितना हमने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। पर जब भी हमारा कोई स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा तो वो हमारे पोर्टफोलियो काफी आगे ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल प्राइस से कई गुना मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करने से मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉफिट लॉस रेशियो भी हमारे फेवर में रहता है और हमें स्टॉप लॉस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि हम अपने पोर्टफोलियो के हर स्टॉक में करीब करीब बराबर इन्वेस्टमेंट रखें, ताकि जब भी कोई स्टॉक हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म ना करे तो हमारे पोर्टफोलियो को ज्यादा फर्क ना पड़े। आइए अब चलते हैं आज के अपने डिस्कशन पे और देखते हैं वो कौन से पांच स्टॉक्स हैं जिन्होंने मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप में ट्रेमेंडस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आप मेरे मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कम में कौन से स्टॉक्स को किस प्राइस पर बाय कर रहा हूं और क्या मेरे रीजंस हैं किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को सिलेक्ट करने के, ताकि आप भी सीख सकें, समझ सकें कि कैसे एक स्ट्रांग मल्टीबैगर पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज का हमारा पहला स्टॉक है एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चर करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह की बैटरीज, ई मोबिलिटी और बाकी प्रोडक्ट्स में। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एचबीएल पावर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। कई बिजनेस वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है, जैसे कि रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कवच ये बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन किट भी ये बनाते हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में ये बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए, सबमरीन प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए, टॉर्पीडोज, बैटल टैंक्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी फ्यूजेस। इसके अलावा एक किलो क्लास सबमरीन के लिए भी बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं। तो काफी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की डिफेंस सेक्टर में और साथ ही साथ रेलवे में। बैटरीज में कंपनी इंडस्ट्रियल बैटरीज प्रोड्यूस करती है टेलीकॉम, यूपीएस, रेलवे, सोलर, ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर्स के लिए। इसके अलावा लेड एसिड बैटरीज भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मार्केट कैप है 9,316 करोड़, करंट प्राइस 336 रुपीज, 52 की पीई पे ये स्टॉक है, 38 इसकी बुक वैल्यू है। कंपनी पे 107 करोड़ का डेट है, जो कि इसकी मार्केट कैप के सामने नेग्लिजिबल है, और 1,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। जितने भी स्टॉक्स आज मैं डिस्कस करूंगा, इन सबकी प्लेलिस्ट नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, और आप चाहें तो पुरानी वीडियोस इन स्टॉक्स के बारे में देख सकते हैं, वहां पे मेरे सिलेक्शंस के प्रूफ्स भी आपको मिलेंगे। एचबीएल पावर सिस्टम्स मेरे सिलेक्शन के बाद 21 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि अगर सिर्फ 1 लाख रुपए उस समय इस स्टॉक में लगाए होते तो आज वो 21 लाख होते। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, और ये एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे कि फोकलिफ्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे कि बैकहोल लोडर्स, कॉम्पैक्टर्स, मोटर यूनिट्स, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और रोटोवेटर्स। अलग अलग सेक्टर्स को ये कंपनी केटर करती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर को। दुनिया की सबसे बड़ी पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरर है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इनकी क्लाइंट लिस्ट में अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे कि L&T, टाटा, अशोका बिल्डकॉन, आदित्य बिल्ला, ACC, डाबर, नोवार्टिस, HP, BHEL, कोल इंडिया, राइट्स, इंडियन ऑयल, BEML, अदानी, रिलायंस और काफी और कंपनीज भी। कंपनी की मार्केट कैप है 9,847 करोड़, 827 की प्राइस पे स्टॉक है। स्टॉक की PE 41.9 है, बुक वैल्यू 87.7। कंपनी के ऊपर 60 करोड़ का डेट है, जो कि इसकी मार्केट कैप के सामने नेग्लिजिबल है, और 1,000 करोड़ से ज्यादा के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। ये स्टॉक मेरे सिलेक्शन के बाद करीब 16 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करे गए होते तो आज वो करीब 16 लाख होते। हमारी नेक्स्ट कंपनी है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, और ये एजुकेशन सर्विस और कंसल्टेंसी प्रोवाइडर है। ऑफर करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फोकस करते हैं इश्यूज अराउंड एडमिशन, ट्रेनिंग, ब्रांडिंग और स्किल डेवलपमेंट, जो कि अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होती हैं। कंपनी प्रोवाइड करती है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, बैंक्स के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ऑनलाइन एग्जामिनेशन से कंडक्ट कराते हैं,
ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं जिसमें मेडिकल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पब्लिसिटी और अलग अलग मोड्स होते हैं जिसमें प्रिंट मीडिया, टीवी एडवर्टाइजमेंट और रिलेटेड सर्विसेज लाइक डिजाइनिंग, स्पेस मैनेजमेंट। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में आते हैं HCL, विप्रो, जस्ट डायल, फ्लिपकार्ट, याहू, TCS, इंफोसिस और कुछ और कंपनीज। कंपनी की मार्केट कैप 509 करोड़ है। अभी भी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, 250 का इसका करंट स्टॉक प्राइस है, 277 का 52 वीक हाई कंपनी ने क्रिएट किया था। बुक वैल्यू 38 रुपीज है, स्टॉक की पी 16.2 है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और 68 करोड़ के रिजर्व्स हैं। ये स्टॉक मेरे मल्टीबैगर वर्कशॉप में सेलेक्ट करने के बाद करीब 12 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करे गए होते तो आज वो करीब करीब 12 लाख होते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है एवेंटल लिमिटेड, जो कि इन्वॉल्व्ड है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स और डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अपने कस्टमर्स के लिए, जो कि मेनली एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में आते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, L&T, बोइंग, गोया शिपयार्ड लिमिटेड, CSL और बाकी कंपनीज। कंपनी की मार्केट कैप है 2871, 354 की करंट प्राइस चल रही है, 370 का कंपनी ने 52 वीक हाई क्रिएट किया था। कंपनी में बोनसेस और स्प्लिट्स आए हैं तो ये जो प्राइसेस हैं उससे एडजस्टेड हैं। स्टॉक की पी 66 है, बुक वैल्यू 16 रुपीज है। कंपनी के ऊपर अपनी मार्केट कैप के सामने नेगलिजिबल डेट है 19.8 करोड़ का और 119 करोड़ के रिजर्व है। ये स्टॉक मेरे मल्टीबैगर वर्कशॉप में सिलेक्ट करने के बाद करीब 15-16 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि अगर इस कंपनी में किसी ने उस समय 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज ये 15 लाख रुपए होती। ये जो मैं आपको रेशियोज बता रहा हूँ या फिगर्स बता रहा हूँ कि इतने इन्वेस्ट करे होते और इतने होते, ये समझाने के लिए कि किस तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अगर हम अच्छी रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, बेकार की टिप्स पे हम इन्वेस्ट ना करें, खामखा की जो न्यूज या टिप्स हमारे पास आती है उनको हम इग्नोर करें और अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग के चक्कर में हम ना पड़े, अपने पैसे को लॉस से बचाएं और एक समझदार इन्वेस्टर की तरह आगे चलें, अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस लेके या अपनी रिसर्च के बाद अगर हम आगे चलें तो काफी अच्छे रिटर्न्स हम सिंपल इन्वेस्टिंग से भी जनरेट कर सकते हैं। जो बातें मैं आपके साथ करता हूं उनको भी ब्लाइंडली फॉलो करने की गलती मत करिए, अपनी रिसर्च जरूर करिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, तभी आप अपने पोर्टफोलियो को सही डायरेक्शन दे पाएंगे। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इन्वॉल्व है एडिबल ऑयल और डिस्टिलरी बिजनेस में इंडिया में और नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी है। 3 सेगमेंट्स में मेजरली ऑपरेट करते हैं जिसमें है एडिबल ऑयल, बासमती राइस और वनस्पति घी। कंपनी के 2 इंटीग्रेटेड डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं, बठिंडा में जिसकी 400 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी है और वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में इसकी 200 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी, यानी कि टोटल 600 किलोलीटर पर डे की इस समय कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है और इसको 2025 तक कंपनी इंक्रीज करके 850 किलोलीटर पर डे पे ले जाना चाहती है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में आते हैं पर्नोड रिकॉर्ड, रेडिको खेतान, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड और वंडर हेल्थ केयर। कंपनी की मार्केट कैप है 1440 करोड़, करंट प्राइस 56.8 का 52 वीक हाई है। ध्यान रखिएगा इस स्टॉक में रिसेंटली स्प्लिट आया था, 10 रुपए की फेस वैल्यू से स्टॉक स्प्लिट होकर 1 रुपए हो गया था। स्टॉक की पी 17.1 है, बुक वैल्यू 21.8, कंपनी के ऊपर 509 करोड़ की डेट है और 527 करोड़ के रिजर्व्स हैं। ये स्टॉक मेरे सिलेक्शन के बाद करीब 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि अगर उस समय 1 लाख किसी ने इसमें इन्वेस्ट करे होते तो आज वो 14 लाख होते। ये थे मेरे मल्टीबैगर वर्कशॉप के कुछ स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं और वो भी 3 साल से कम में। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 15 टाइम्स से उससे ज्यादा का रिटर्न जनरेट किया है, बट ऐसे भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने 3 टाइम्स से लेकर 15 टाइम्स तक का रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम अच्छे स्टॉक